Hello students, I welcome again you to the next chapter, that is concentration in the NEET Mantra episode. Aapka swagat hai. First important part, it is concentration. Concentration ko agar badhana ho, to sabse important strategy hai planning. Jo kuch aap padhna chahte hai, uska ek proper planning banaiye, aur us plan ke anusar agar aap study karenge, to aapka bahut time bachega. ऐसी जगह देखिए कि जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, भले ही वो एक छोटा कोना हो घर का, या फिर या गार्डन हो, या फिर आपका कॉलेज का कोई एक छोटी सी जगह, जहां आप शांत बैठकर कंसंट्रेशन से पढ़ सकते हो. प्रिपेयर योर ओन नोट्स, अपने लैंग्वेज में अपना नोट्स बनाइए, खुद का डायग्राम्स बनाइए. इससे क्या होगा कि एग्जाम टाइम पर आप अपने नोट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने जो कुछ बनाया है, इट इज़ अ शॉर्टकट. सो बिकॉज ऑफ दैट आप जल्दी से जल्दी पढ़ सकते हैं और अपने लैंग्वेज में लिख कर ज़्यादा मार्क्स बना सकते हैं. स्विच द टॉपिक, अगर आप एक ही टॉपिक पढ़ के बोर हो रहे हो तो यू कैन जस्ट स्विच द टॉपिक फ्रॉम फिजिक्स टू बायोलॉजी, बायोलॉजी टू केमिस्ट्री. इसके वजह से क्या होगा कि आपको बोर भी नहीं होंगे और मल्टीपल लैंग्वेज और इवन अ मल्टीपल सब्जेक्ट कैन बी लर्न इन अ पर्टिकुलर टाइम. अगर आपको नींद आ रही है तो यू कैन टेक अ पावर नैप. इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप सो सकते हैं 5 मिनट का अलार्म लगाकर. जैसे आप अलार्म से उठेंगे, यू विल फील फ्रेश, लाइक एक 5 घंटे की नींद पूरी हो गई हो. मेक द चार्ट्स, अपने ही लैंग्वेज में चार्ट्स बनाइए. इससे आपको क्या होगा कि आप जैसे ही चार्ट्स बनाएंगे और अपने घर के किसी भी कोने में लगाएंगे, आते जाते आप देखेंगे तो आपको ये सब ऐसे लगेगा कि जैसे मैं इसे ऑलरेडी पढ़ गया हूँ. इसका बेनिफिट ये है कि एग्जाम्स में आपको डायरेक्टली वो रिकॉल होगा ड्यू टू द यूज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. थैंक्स फॉर वॉचिंग मंत्रा टेक्निक्स, एंड देर आर अदर टेक्निक्स विच विल हेल्प यू टू स्टडी, सो यू कैन गो थ्रू इट. थैंक यू.